हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी क्या युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार डीएड के लिए स्पेशल जो कि आज साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिएगा और जल्द ही जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर देंगे और उसके बाद हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जल्द ही आपको मिलने वाला है और आप जो है कि तैयारी कराने के लिए जुड़ चुके हैं, तो आपसे परफेक्ट तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़िए, डेली क्लास कीजिए आप सभी। और आप सभी को बताना चाहते हैं, अभी अप्लीकेशन पर जो कि फ्रेंड बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते बेहतर नोट्स और क्लास के साथ में, तो आप से क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए। वहां पे बिल्कुल फ्रेंड आपको 100% सफलता के लिए तैयारी करवाया जा रहा है, जहां की संपूर्ण तैयारी प्लस में टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा जो कि थ्योरी क्लास रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्लस में आपको नोट्स मिलने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, जिस प्रकार से सीबीटी होने वाला है बिल्कुल चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जाएगा, हर सब्जेक्ट का ईबुक आपको मिलने वाला है वहां पे। तो अगर आप से एक सीट पक्का करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं ताकि आपका 20 से 25 हज़ार में सारा चीज कंप्लीट हो जाए, अन्यथा जो कि फ्रेंड प्राइवेट से लगभग 90 से 1 लाख तक खर्चा होने की संभावना होता है, तो 90 से 1 लाख खर्चा करने से अच्छा है कि बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए और आपको सरकारी कॉलेज में एक सीट मिल जाए, जिससे कि आपका 20 से 25 हज़ार में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप से मेरे साथ जुड़िए, कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा, मिनिमम फी में फ्रेंड सारा चीज़ आपको दे रहे हैं, बेहतरीन नोट से दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, प्लस में हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको क्लास देने वाले हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, साइंस का हो, प्लस में आपका चाहे वो रीजनिंग हो या हिंदी हो या मैथ हो, ये सारा क्लास आपको मिलने वाला है मिनिमम फी में। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में भी पिन किए हुए हैं, अन्यथा जाके आप से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके। ज्वाइन कैसे करना है उसका भी वीडियो बना हुआ है, वीडियो को आप से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम सभी। चलिए आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा, तो हमसे कह सकते हैं द्रव्यमान, ये क्या है जड़त्व का माप है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। चलिए बताइएगा परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो हमसे भी कह सकते हैं नाभिक के भीतर में रहते, ए राइट आंसर रहते। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, डी राइट आंसर रहेंगे, ग्रीक को कहा जाता है, बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है, याद रखेंगे आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे आप सभी, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। चलिए बताइएगा इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो हम कह सकते हैं बीटा कण में, इनमें ऋणात्मक आवेश होती है, सी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आपसे राइट आंसर करेंगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम सभी कह सकते हैं शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को यहां आप सभी टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, तो हम सिर्फ कह सकते हैं समय का जो मात्रक नहीं है वह प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है, जबकि अधिवर्ष चंद्रमा यह समय का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, केस्कोग्राफ नाम यंत्र की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन 8 के लिए आप सभी, केस्कोग्राफ नाम यंत्र की खोज किसने की थी, तो हम सिर्फ कह सकते हैं जगदीश चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक टीके की खोज किसने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा, चेचक टीके की खोज किसने की थी, सी राइट आंसर रहेंगे, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक टीके की खोज की गई थी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए कई बार क्वेश्चन बताए आप सभी को, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, किसने बताया था, तो हमसे कह सकते हैं आर्यभट्ट ने बताया था, ए राइट आंसर रहेंगे, ये एक गुप्तकालीन खगोल शास्त्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नाभिक का आकार है, चलिए बताइएगा नाभिक का आकार है, डी राइट आंसर रहेंगे, 10^-15 मीटर होता है नाभिक का आकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ए राइट आंसर रहेंगे, क्वेश्चन क्लियर है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट डॉट की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, बी राइट आंसर रहते हैं, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो हमसे कह सकते हैं डायोप्टर, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध किसका था, चार्ल्स डार्विन का, ए राइट आंसर रहेंगे, क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि किस तत्व के सवर्धिक समस्थानिक होते हैं, चलिए बताइएगा कौन से तत्व के सवर्धिक समस्थानिक होते हैं, पोलोनियम के, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परितंत्र का ओजीवीय घटक है, सी राइट आंसर रहेंगे, जल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, इनमें से कौन सा एक बेकिंग सोडा है, बी राइट आंसर रहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम की खोज किसने की, बी राइट आंसर रहेंगे, लोकेयर के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी 1868 में, और इसमें एक शामिल थे जिसका नाम जॉनसन थे, प्रियर जॉनसन करके नाम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से श्रेड लेड है, चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा एक श्रेड लेड है, तो हमसे कह सकते हैं Pb3O4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एक बार बराबर होता है 10^5 डायन होता है एक बार बराबर, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है एक खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन बराबर जो होता है 10^-6 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किलोग्राम राशि का वजन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो हमसे कह सकते हैं 9.8 न्यूटन होता है, कितना 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, 10^15 मीटर के समीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हमसे क्या बोलेंगे 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लॉक नियतांक का मान कितना होता है, (6.63×10^-34) जूल सेकेंड होती है, बी राइट आंसर रहेंगे। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी मजेदार है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है, तो इस गैस को हाइड्रोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है, ओमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला है, चलिए बताइएगा हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो हमसे कह सकते हैं N2O, जिसे हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो ये एक डोल है, क्या है? डोल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से बेमेल कौन है? दाद क्रीम। दाद क्रीम क्या है? एक बेमेल है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो हमसे कह सकते हैं मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी प्रयोग लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायित्व होता है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायित्व होता है? उपर्युक्त में से सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हरित गैस है? तो हमसे कह सकते हैं हरित गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हरित गैस हैं। ऑप्शन नंबर डी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? तो डी राइट आंसर है। उपयुक्त में से सभी, एक ही आकृति ही, एक ही आयाम की, एक ही कला की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक संवेग होता है। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है हैं? तो हमसे कह सकते हैं नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का उपयोग होता है सबसे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ क्या है? कई बार बताया है आप सभी को, सूखी बर्फ क्या है? ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है प्रदूषण वायुमंडल को। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। सी राइट आंसर हो जाती है। क्वेश्चन क्लियर नहीं, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी, कहीं डाउट नहीं रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस नहीं है? डी राइट आंसर है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ए राइट आंसर है, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? ए राइट आंसर है, टीएनजी का नाम नोबेल तेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिलिन है, ये एक फाइबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ किसका उत्पादक है? चलिए बताइएगा, रबड़ किसका उत्पादक है? बी राइट आंसर है, लेटेक्स का। लेटेक्स का उत्पादक है रबड़। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया? तो हमसे कह सकते हैं बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहती है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? तो हमसे कह सकते हैं यूरिया था सबसे पहले प्रयोग किया हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के सेट में साइंस का हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।